अंदाज जिससे आप वाक्यों को रिप्रेजेंट करते हो, एक ऐसी शैली, आप ऐसे कहेंगे कि वाच एक शैली है, एक प्रकार है, कथन का एक प्रकार है, एक बोलने का एक अंदाज है। बोलो भाई, है ना? अब बोलने का अंदाज कभी कर्ता को प्रदान करके बोला जाएगा, ऐसे वाक्य को कर्तृवाच कहेंगे, और जिस वाक्यों में कर्म की प्रधानता होगी उनको कर्मवाच कहेंगे, और भाव माने होता है क्रिया, भाव माने तो ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया की प्रधानता होगी उनको हम भाववाच्य कहें। तो वाच्य के तीन प्रकार क्यों हुए? भाई वाच्य के प्रकार तीन इसलिए हुए कि तीन प्रकार से आप किसी वाक्य को बोलते थे। यदि बोलने की शैली, बोलने का अंदाज वाच्य है तो तीन तरह से हम बोलते थे वाक्यों को, किसी में कर्ता को प्रधान करके, किसी में कर्म को प्रधान करके, और किसी में भाव यानी क्रिया को प्रधान करके। तो आप ये जाने लगे कि वाच्य का जो डिवाइडेशन करते हैं वो कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार करते हैं। बोलो हाँ। और जिस वाच्य में जिसकी प्रधानता होगी वही वाच्य होगा। बोलो हाँ, है ना? तो जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी वो, और जिसमें कर्म की प्रधानता होगी, और जिसमें भाव यानी क्रिया की प्रधानता होगी, चाहे क्रियावाच्य कह दो चाहे भाववाच्य कह दो, एक ही चीज। बोलो हाँ। अब प्रधानता हम कैसे जानेंगे? जैसे हम कहें कि भाई बालक विद्यालय गच्छति। बोलो हाँ। आप पढ़ रहे हैं वाच, आप कहते हैं बालक विद्यालय गच्छति। कौन गच्छति? कौन जा रहा है? यहाँ बालक एक है तो गच्छति है। आप गच्छति क्रिया बता रही है कि गच्छति चूंकि एक वचन का है इसलिए कर्ता एक वचन का, अथवा ऐसा कहिए कि कर्ता चूंकि एक वचन का है तो क्रिया भी। यदि आपने बालका को बालकों कर दिया तो क्या हो जाएगा? कच्चता क्या हो जाएगा? कच्चता हो जाएगा ना। और यदि बालकों की जगह आपने बालका कर दिया तो क्या हो जाएगा? बोलो हाँ, है ना? इसका मतलब ये एक ऐसा वाक्य है, या आप ऐसा कहिए कि यह एक ऐसा वाक्य है जिसमें कर्ता के परिवर्तन से क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। यदि कर्ता के बदलने से, कर्ता के परिवर्तन से, या कर्ता में किसी फेर बदल के होने से उसका असर क्रिया पर पड़ता है, वाक्य पर पड़ता है, इसका मतलब इस वाच्य में कर्ता की प्रधानता है और यह वाच्य कर्तृवाच्य है। बोलो हाँ। यह वाच्य कैसा वाच्य है? हम प्रधानता बता रहे थे, प्रधानता इसलिए कि जब एक वचन था तो क्रिया एक वचन थी, जब कर्ता द्विवचन था तो क्रिया द्विवचन की हुई, जब कर्ता बहुवचन का था क्रिया अभी है तो क्रिया भी। ऐसा नहीं होगा कि इधर बालका हो और उधर गच्छति हो, ऐसा नहीं होगा। बोलो हाँ। यदि इधर बालक है, प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, तो इधर भी गच्छति प्रथम पुरुष की है, एक वचन की। बोलो हाँ। गच्छति होना, मान लीजिए आपने कर्ता बदल दिया, यहाँ कहा कि तुम, तो क्या वहां गच्छति रहेगा? फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि कर्ता के बदलने से क्रिया बदल गई? इसलिए प्रधानता किसकी? और जिस वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होगी वो, आधा हम बोलेंगे आधा आप। बोलो हाँ। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होगी, हाँ बिल्कुल, आधा मास्टर हमें आधा आप, कोई छात्र थोड़ी बैठा है। बोलो हाँ। कौन बैठा है? और मास्टर क्या करता है? आधा हम बोलेंगे आधा आप। ये बात समझ में आई? अब तुम की बात बोले अहम। यदि आप अहम कर्ता के स्थान पर अहम है तो क्या हो? क्या गच्छति से काम चलेगा? क्योंकि अहम के साथ गच्छति नहीं सूट कर रहा है, इसीलिए यह कर्तृवाच्य। बालका के होने से गच्छति, तुम के होने से गच्छति, और अहम के होने से गच्छान हो जाना, ये सिद्ध करता है कि इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, और जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यदि इधर बालकों हो जाता है तो इधर गच्छता होना,
यदि बालपा कर दे तो वैच्छन्ति करना, बोलो हाँ। अर्थात कर्ता के परिवर्तन से, कर्ता के बदलने से, कर्ता की हैसियत से पूरे वाक्य की हैसियत बदल जाती है, ये है कर्तृवाच्य, बोलो हाँ। अब ध्यान रखिएगा, कर्ता अनुगमन, क्रिया अनुगमन करती है कर्ता, क्रिया अनुगमन करती है, ठीक हो गया। और जिसके घर में, मान लो आप पूरा परिवार, आपके घर में पिताजी का अनुगमन करता है तो आपका परिवार पितृवाच्य है, और यदि पिताजी भी अम्मा के कहने पर चलते हैं तो मातृवाच्य है, और यदि पूरा घर विधवा के कहने से चलता है, मैं वाच्य बता रहा हूँ, घर में चलती किसकी है ये ज्यादा मायने रखता है, बोलो हाँ। माना कि किसी जमाने में बाबा की चलती रही होगी, पर आज बाबा खटिया में पड़े पड़े कुछ भी कहते रहे और आप नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब बाबा वाच्य खत्म, बोलो हाँ। अब बाबा वाच्य, वाच्य तो डिसाइड होगा कि प्रधानता किसकी है, हम ये बताने, बोलो हाँ। कर्ता प्रधान है तो कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, और क्रिया प्रधान है तो क्रियावाच्य अथवा भाववाच्य, हमारे यहाँ क्रिया को भाव ही कहते हैं, बोलो हाँ, इसलिए भाववाच्य कहें या क्रियावाच्य, इन तीन चीजों से डिसाइड होता है वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और क्रिया का ही नाम क्या है। अब आपने एक चीज देखा कि अहम है या बालका है, रामा है, चालका है, रमा है, बालिका है, सीता है, तो कर्तृवाच्य में जो भी प्रधान होगा, दूसरी बात वाच्य में जो प्रधान होगा उसमें प्रथमा हो, मैं दोबारा बोल देता हूं, जिस किसी वाच्य में जो भी प्रधान होगा उसमें प्रथमा हो, प्रथमा प्रधानता की सूचना देता है, बोलो हाँ। इसीलिए कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है तो कर्ता में प्रथमान तो होंगे, कर्ता जनरली उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। अब प्रथमा का एकवचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है और बहुवचन हो सकता है, एक वचन होगा ये नहीं कह रहे, प्रथमा विभक्ति होगी, यानी प्रथमा बालका भी हो सकता है, बालको हो सकता है, बालका हो सकता है, तो बालक चूंकि प्रथमा विभक्ति में तीन रूप, सभी विभक्तियों में कितने रूप, एक तो एक वचन, दो तो द्विवचन और दो से अधिक, यही नियम है ना। तो आप जान लें कि जो भी वाच्य में प्रधान होगा, अब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है तो प्रथमा विभक्ति, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा तो प्रथमा विभक्ति, बोलो आया ना। अब जब कर्मवाच्य की चर्चा करेंगे तब हम आपसे चर्चा करेंगे, पूरा ना फिर जाने रहे, यदि आप थोड़ा भी वाच्य पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा में और कर्म द्वितीय, कर्म की विभक्ति होती ही है द्वितीय, सूत्र लिखा है, अभी आपने कारक नहीं पढ़ा, पढ़े होते तो समझ जाते, कर्म ही द्वितीय। अब नहीं कहना कि नहीं पढ़ना, पढ़ लिए कर्म माने कर्म में द्वितीय, अभी आप ये जानिए कि पाणिनि के अनुसार कर्म की विभक्ति द्वितीय है, पाणिनि के अनुसार कर्म की विभक्ति, और पाणिनि के अनुसार कर्ता और करण दोनों की विभक्ति तृतीय है, क्या है ये कारक आप पहले पढ़ते जो समझ जाते, अभी हमें इतना जरूरी है, मैंने कारक का इतना हिस्सा आपको बता दिया, सूत्र है कर्त्री करणयोः तृतीया, चाहे आप ये पढ़िए चाहे ये पढ़िए, कर्ता और कर्ण की तृतीया विभक्ति होती है, कर्ता की भी तृतीया विभक्ति, कर्ण की भी तृतीया विभक्ति, लेकिन जो कर्म होगा उसमें द्वितीया विभक्ति। अब उसको भूल जाओ, भूल गए भूल जाओ, कुछ चीजें भूलने में भी अच्छा रहता, अभी कराओ। अहम विद्यालय गच्छा में अहम कर्ता है, गच्छा में क्रिया है, अहम कहाँ जा रहा है, तो कर्ता जिस कार्य को संपन्न करता है उसी को हम कर्म कहते हैं, सामान्य रूप से आपको कर्म की पहचान होगी, तो आप जाने रहे कि कर्ता के द्वारा संपन्न किया गया कार्य या कर्ता अपनी क्रिया से जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वो कर्म है, परिभाषा यही, तो अहम ये करता है, और कौन सी क्रिया कर रहा है, जाने की, तो अहम रूपी करता अपने जाने रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा कहां जाना चाह रहा है, तो जहां जाना चाह रहा है वही कर्म होगा, और जो कर्म होगा वहां विधि आएगी, जहां कर्म होगा वहां, इसीलिए विद्यालय में कौन विभक्ति, विद्यालय है ये कर्म है। अब जो मैं बताता कि जो प्रधान होगा उसमें
जी अहम में क्या लगा है, अहम में क्या लगा है? प्रथमा। अब सब कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा में होगा, कर्तृवाच्य का प्रथमा कर्ता, कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा में, तो बालक का कहां करो है बोलो, प्रथमा का है ना, बालिका, रमा, अहम, त्वम, मोहना, ये सब कर्ता है ना, पिता, माता, गुरु, कर्ता हम कि नहीं हो सकते है ना। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य हमें, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा वो हमेशा प्रथमा में होगा, कोई भी कर्ता हो सकता है, बहुत सारे रमेशा, सुरेशा, रमा, बालिका, सीता, गीता, राधा, पिता, माता, यज्ञवेन्द्र, योगेंद्र, कमलेश, सब करता है। तो जिनका जिनका भी आप प्रथमा में प्रयोग करेंगे वो सब क्या है, कर्ता है, कहां के कर्ता है, कर्तृवाच्य के कर्ता है। अब जब आप कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य में कर्ता अपनी रियल विभक्ति में चला जाएगा और कर्ता की रियल विभक्ति है तृतीया, कर्ता की रियल विभक्ति क्या है, हाँ, तो कर्ता की जो ओरिजिनल विभक्ति है अन्य वाच्य में जो कर्म बनेगा कर्मवाच्य में, तो वालिका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और बालिका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालिकया, रमा, तृतीया बन रहा है रमया, अहम कौन, मया कौन, कौन तो या गुरु हम लोग बोलना, मोहना हम लोग मोहने बोलते रहेंगे, पिता को पित्रा, ये तृतीया है, माता को मात्रा। अब आपसे पूछेंगे कि बालक का वाच्य परिवर्तन करिए तो बालके, बालक का वाच्य केवल एक शब्द को नहीं बदलता, बालका में यदि प्रथमा है तो कर्तृवाच्य, बालका को कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य बोली, सुरेशा कौन सा वाच्य, क्योंकि भाई कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में होगा, इस बात को पहले देखा लो, कर्तृवाच्य का कर्ता किसमें होगा और सुरेशा में क्या है, तो आप बोलेंगे कि सुरेशा में कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, सुरेशा में कौन सा वाच्य है, सुरेशा को कर्मवाच्य में बदलना हो तो सुरेशन बोलने क्या हो जाएगा, अब जो कर्मवाच्य का कर्ता होगा वो भी तृतीया में होगा, जो भाववाच्य का कर्ता होगा वो भी तृतीया में होगा, क्योंकि कर्ता की विभक्ति तृतीया होती है। फिर से समझना, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है इसीलिए कर्ता में प्रथमा होती है, नहीं तो कर्ता की विभक्ति तृतीया। जब कर्मवाच्य में कर्ता प्रधान नहीं रह गया, कर्म प्रधान हो गया तो कर्ता कर्ता हो गया, इसलिए कर्ता तृतीया में हो गया। जब भाववाच्य में क्रिया प्रधान हो गई, कर्ता का प्रधान तो खत्म हो गया, तो कर्ता अपनी विभक्ति तृतीया में चला गया, इसलिए भाववाच्य का भी कर्ता किस विभक्ति में और कर्मवाच्य का कर्ता किस विभक्ति में। यदि कोई बालका बोल रहा है मतलब कर्तृवाच्य, कोई बालकेन बोल रहा है मतलब कर्मवाच्य या तो भाववाच्य, बोलो हाँ, अहम कर्तृवाच्य है तो मया कर्मवाच्य या भाववाच्य, बोलो हाँ या ना। पहले कर्ता पे फोकस करो, कर्ता को बदलना सीख लो, फिर हम कर्म और क्रिया बाद में बताएंगे, पहले कर्ता कहाँ होता है। तो कर्ता केवल कर्तृवाच्य में प्रथमा में होगा, बोलो हाँ या ना, कोई समझ में दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं ना। तो बालका क्या है, कर्तृवाच्य, रामा हम कर्तृवाच्य, भगवान, अहम, तुम, सुरेशा, सीता, गीता, राधा, नायिका, बच्चन, ऐश्वर्या, मोदी, सर प्रथमा में है तो कर्तृवाच्य, बोलो हाँ या ना, प्रथमा में है तो। अब यदि आप इसको तृतीया में करते हैं तो या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा, पहले कर्ता तृतीया में होगा, कर्मवाच्य का भी भाववाच्य का भी, बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। अब यदि कहीं मोहना लिखा है तो कर्तृवाच्य, मोहने लिखा है तो कर्मवाच्य या भाववाच्य, दोनों वाच्य हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना। मोहना को मोहने में कर दिया जाए तो वाच्य बदल जाएगा, बोलो हाँ। और रमा का तृतीय रमया तो बालिका का बालिकया, सीता का गीता का राधा का अहम का अहम का और तुम का, अहम कर्तृवाच्य है और मया कर्मवाच्य भाववाच्य, तुम कर्तृवाच्य है और त्वया कर्मवाच्य भाववाच्य, कोई दिक्कत तो नहीं आई,
यहाँ तक कर लिया ना, कर्म की विभक्ति हमेशा द्वितीय होती है। बोलो हाँ। एक वाक्य में एक ही व्यक्ति प्रधान होगा, चाहे कर्ता प्रधान हो, चाहे कर्म और चाहे क्रिया। बोलो हाँ। तो जब कर्ता प्रधान हो जाएगा तो कर्ता में प्रथमा हो जाएगी, और जब कर्ता में प्रथमा हो जाएगी तो कर्म में अपने आप द्वितीय हो जाएगी, क्योंकि कर्म की विभक्ति क्या होती है, द्वितीय। और क्रिया किसका अनुगमन करेगी, जो प्रधान होगा। तो कर्तृवाच में प्रधान कौन, कर्ता। तो क्रिया किसके अनुसार, यदि क्रिया कर्ता के अनुसार तो कर्तृवाच, और यदि क्रिया कर्म के अनुसार तो वाच खत्म हो गया। यही समझना है, और इसी को अगले आधे घंटे समझते रहेंगे। क्या, यदि क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है तो क्रिया उसी का अनुसरण करती है जिसकी प्रधानता हो। बोलो हाँ। जब वाक्य में कर्ता प्रधान है तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगेगी। बोलो हाँ। और जब वाक्य में कर्म प्रधान है तो क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। बोलो हाँ। और यदि कर्म प्रधान है क्रिया कर्म के अनुसार लगने लग जाए तो समझना कि कर्मवाच्य, और भाववाच्य में कर्म होगा ही नहीं, भाववाच्य में। इसलिए भाववाच्य की क्रिया ना तो कर्ता का अनुगमन करेगी और कर्म होगा ही नहीं, इसलिए क्रिया जैसी है वैसी रहे। बोलो भाया ना, कर ले इसको, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य तीनों के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। बोलिए हाँ या ना। अब देखना, क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, कैसा, यदि गच्छति है तो यज प्रत्यय लग करके इसको गम्यते बने, यदि पठति है तो पक्षते बनेगा, यदि लिखति है तो लिखते बनेगा, क्या बनेगा। अब थोड़ी देर के लिए आप अपनी किताब की ओर आइए, 77 पेज में देखिए, 77 पेज में लिखा ना, कर्तृवाच्य का कर्ता और कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता, मिल गया, एक सूची बनी है। एषा प्रथमा है, एतेन हो गया, एषा को एषा में प्रथमा है, एतेन में, अच्छा नहीं पीछे नीचे छोटा है, इसको देख लो 76 के लिए सबसे नीचे, भवान को, भगवती को, त्वं को, अहम को, सह, सा, कह, का, एषा, एषा, यह, या, सर्वा, सर्वा, अयम, इयम, रामा, बालका, हरि, मुनि, पिता, माता, रमा, लता, नदी, लक्ष्मी, गुरु, साधु, मति, युवती, मित्रम, अलम, वाल। एक चीज आपको बताने की कोशिश की गई थी कि सब में तृतीय हो, क्या होगा, कर्म वाच्य और भाव वाच्य का कर्ता यदि आप करेंगे तो क्या करना है। बोलो हाँ या ना। यदि आप इतना करना सीख गए तो समझ लेना 75% सीख गए। बोलो हाँ। कितना परसेंट सीख गए, हाँ। अब एक चीज इसमें और देख लीजिए, यदि हमने बालका लिखा है, ये प्रथमा है, ये क्या है, और ये प्रथमा का एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बालका द्विवचन में क्या बनेगा, बालको, और बहुवचन में बालका, ये बनेगा ना, ये सारे कर्ता तृतीय में जाएंगे। बोलो हाँ। यदि आप कर्मवाच्य बना रहे हैं, भाववाच्य बना रहे हैं, तो पूरा कर्ता किसमें जाएगा, तो बालका की तृतीय बताओ क्या होगा, और बालकों की क्या होगा, याद है ना, और बालका को, यदि बालका है तो कर्तृवाच्य, बालकेन है तो कर्मवाच्य, भाववाच्य। यदि कर्ता बालको है, प्रथमा का द्विवचन है, तो तृतीय के द्विवचन में बदल देगा, बालको बालकाभ्याम हो जाएगा। यदि बालका है तो बालक ही कर्मवाच्य में भी हो, भाववाच्य में। कर्ता के बारे में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि कर्ता कैसे बदलता है, कर्ता यदि प्रथमा का एक वचन है तो तृतीय के एक वचन में बदलेगा। बोलो हाँ। कर्ता यदि देखो प्रथमा में होना चाहिए का मतलब चाहे एक वचन में रहे चाहे द्विवचन में रहे, कहीं ये प्रथमा नहीं है,
ये प्रथमा नहीं, ये प्रथमा नहीं, तो प्रथमा में तीन रूप बन सकते हैं, एक वचन, तीन वचन और दो वचन, तो तीनों तृतीया के उसी उसी रूप में बदल जाएंगे। यदि प्रथमा का एक वचन है तो तृतीया के एक वचन में बदलेगा, यदि तृतीया का प्रथमा का द्विवचन है तो तृतीया के द्विवचन में बदलेगा, और प्रथमा का बहुवचन है तो नहीं तृतीया के बहुवचन में बदलेगा। पूरा बोलो, प्रथमा का एक वचन किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा? बड़ा दिमाग लग रहा है, दिमाग कहा लगे जब होगा कहने लगे। प्रथमा का एक वचन किसमें बदलेगा, और प्रथमा का अधिवचन तृतीया के अधिवचन है, और प्रथमा का बहुवचन बिल्कुल सही है, करता है एकदम फाइनल। अब ये बाल का एक उदाहरण है, मान लो अहम आवा वयम होता तो यहाँ माया आवाभ्याम समाप्ति हो जाता। बोलो हाँ, इधर यदि बालिका बालिके बालिका मन होता तो इधर बालिका बालिकाभ्याम बालिका भी हो जाएगा, रूप तो आपको याद होना पड़ेगा। बोलो हाँ, अन्ना पूरा सही। तो वाच्य में तीन रूप अवश्य चाहिए, प्रथमा का, द्वितीया का, तृतीया का, चूंकि कर्म वाच्य का जो कर्म बदलेगा ना तो द्वितीया और प्रथमा में बदलेगा। कर्ता की दो ही विभक्तियां हो सकती है, या तो प्रथमा या तो तृतीया, बात पच जाए तो बताना। कर्ता की दो ही विभक्ति हो सकती है, या तो प्रथमा, यदि वह कर्तृवाचिका है तो आदेश बोलो और कुछ याद नहीं। यदि वाक्य कर्तृवाचिका है तो कर्ता, और कर्मवाच्य भाववाचिका है तो, इसलिए हमको किसी भी कर्तृपद का दो रूप जानना आवश्यक है, प्रथमा का रूप और तृतीया का। बोलो हाँ, तो प्रथमा और तृतीया का रूप जानना जाए, ये आपका होमवर्क होगा। बोलो हाँ, वाच पढ़ने के लिए हम प्रथमा को तृतीया में तय पढ़ा जाए, बालिका के तृतीया है आप कहो बालिका ये न, तो अब ये सिस्टम समझ रहे हैं, रूप गलत हो रहा है, चलेगा। रमा का रमैया बनता है, रमा शब्द का रमैया तृतीया में बनेगा। अब मान लो आप रमैया लिख दिए, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, रूप गलत हो रहा है, इसको सुधारना पड़ेगा। बोलो हम रामा को रामायण लिख दें तृतीया में बदलते समय, ये तो फॉल्ट है, लेकिन आप कहेंगे नहीं देखो राम बालका प्रथमा में है तो इसको तृतीया में बालकात कर दो, बालकात बालक को तृतीया में क्या कर दो, पर आप सिस्टम पकड़ रहे हैं कि तृतीया में तो पढ़ रहे हैं, अब बालकात कर रहे हैं, ये थोड़ा सिस्टम का फेर है, माने तृतीया में आप कर रहे हो ये समझो कि हम तृतीया में करेंगे, अब तृतीया में क्या रूप बनेगा ये तो वाच्य नहीं बताएगा, तो वाच्य कहेगा कि भाई साहब तृतीया से निपटो अपना, तृतीया में क्या बनेगा मैं नहीं जानता, पर हम जब बदलेंगे तो तृतीया में बदलेंगे ये वो बताता है, सिस्टम पकड़िए पहले, समझ में आया। सिस्टम ये है कि कर्तृवाच्य का कर्ता जब भी कर्मवाच्य भाववाच्य में जाएगा तो तृतीया में ही जाएगा, यदि कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा का एक वचन है तो तृतीया के एक वचन में, और यदि प्रथमा का द्विवचन है तो तृतीया के द्विवचन में, और यदि प्रथमा का बहुवचन है तो तृतीया के बहुवचन में बदलेगा, ये सिस्टम है, ठीक हो गया। इसमें कोई पूछे कि बालका का वाच्य परिवर्तन करो, बालके बालकों का और बालका का, ये आपका वाच्य परिवर्तन कर्ता के स्तर पर समाप्त हुआ। भाई वाच्य परिवर्तन में कर्ता कर्म क्रिया तीनों बदलेंगे ना, तो पहले कर्ता समझ लें। बोलो हाँ, अब दूसरा सिस्टम ये है कि जो भी कर्म होगा जो कर्तृवाच्य का कर्ता कर्म और क्रिया तीन चीजें होंगी, तो कर्ता प्रथमा में और कर्म द्वितीया में और क्रिया जो कर्ता वैसी क्रिया, इसलिए कर्ता और क्रिया की नंबरिंग सेम कर दें, ये बताएगा कि क्रिया उसके अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो वर्किंग हम समझ गए क्या, प्रथमा द्वितीया और ये कर्ता के अनुसार, ये बता रहा है कि मुझे क्रिया कैसी बोले, क्योंकि प्रधान कौन, तो क्रिया किसके अनुसार, तो वन टू वन का त्रिवाच्य है, वन टू वन। बोलो हाँ, वन टू वन क्या है, यही कर्म में द्वितीया विभक्ति ही लगानी है। बोलो हाँ,
जब हम कहते हैं कि बालका विद्यालय गच्छति, गच्छति किसके अनुसार लगा है? बालका में प्रथम है, गच्छति बालक के अनुसार है, और विद्यालय में द्वितीय है, वन टू वन हो है ना। अब इसको कर्मवाचक में बदल दो, बालक को क्या करेंगे, क्या करेंगे? और यदि आप कर्मवाच बना रहे हैं तो अभी भी आपको बताया कि कर्मवाच में कौन भी होती, जो भी प्रधान हो, जो भी उसी का कर्मवाच बनेगा। और यदि कर्मवाच है तो इसमें कर्म प्रधान होगा, और जो भी प्रधान होगा उसमें उसमें जो बोलो क्या हाँ पूरा कंफ्यूजन दूर कर लो, जो भी प्रधान होगा प्रथमा लगेगा। और कर्मवाच में कर्म प्रधान है इसलिए विद्यालय में द्वितीय है। अब यदि आप कर्मवाच बना रहे हैं तो कर्म की प्रधानता होगी, अब क्या लगेगा, क्या लगेगा? प्रथमा, और प्रथमा में क्या बनेगा? विद्यालय। अब क्रिया बदलेगी वाच के अनुसार, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्रिया पद देख लो, नीचे लिखा ना 77 पेज में, 77 पेज देखो, लिखा भूयते भूयते भूयन्ते भूयसे भूयते भूयद्धे भूये भूयावहे भूयामहे, मिल गया, मिला कि नहीं? अब 78 पेज आ जाओ, 78 देखो, जहां काला काला है वहां पहले लिखा है धातु फिर कर्तृवाच फिर कर्मवाच है। पहले भू धातु कर्तृवाच में भवति, कर्मवाच में भूयते, मिल गया, कर्तृवाच में भवति और कर्मवाच में को भीयते, शेते को शयते, याचति को याचते, अति को अद्यते, वदति को उद्यते, जानाति को खनति को वपति को ऐसे तिष्ठति स्थियते कथयति कथ्यते दोदुदुयते नी नयति है नयति को नियते गच्छति को भक्षति भक्षते हन्ति हन्यते पिबति पीयते अस्ति भूयते शृणोति श्रूयते सेवते सेवते चिनोति चेयते जुहोति हूयते सुपति सुप्यते मथनाति मथ्यते वगैरह वगैरह वगैरह। ये बात समझ में आई, कर्मवाची की क्रिया में या आता है और हमेशा आत्मने पदी में चलती है, तो या आकर के आत्मने पदी में चलती है, 4-6 क्रियाएं अभी आप जाओ समझने के लिए, फिर ये बात हमारे प्रैक्टिस की है कि कौन सी क्रिया कर्मवाची में कैसे बदलती है, कैसे बनेगी, ये तो आपको देखना पड़ेगा। फिर आप देखिए गच्छति गम्यते होगा, पठति पठ्यते होगा, लिखति लिख्यते होगा, नयति, तो आप सामने एक चीज कहां देख रहे हैं, या क्या देख रहे हैं? और एक चीज और कॉमन देखते हैं, ते 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 दिख रहा है, ये ते आत्मने पद का बोध कराने के लिए, किसका? अब देखिएगा बालकेन विद्यालय, अब जो क्रिया आएगी ना वो कर्मवाची की क्रिया है, ये कर्तृवाची की क्रिया है और ये कर्मवाची है भाववाची की क्रिया है। बोलो हाँ, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है, ये। तो अब हमें कर्मवाच्य में कैसी क्रिया चाहिए? कर्मवाच्य वाली चाहिए, कैसी क्रिया चाहिए? चूंकि जो गच्छति क्रिया है ये कर्ता के अनुसार चल रही थी, अब जो क्रिया आएगी वो कर्म के अनुसार चलेगी, इसीलिए विद्यालय को क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, गच्छति गम्यते नहीं हुआ, गच्छति तो कर्मवाच्य है, गम्यते जो है कर्मवाच्य, बदला तो गच्छति ही गम्यते है, लेकिन गच्छति में एक वचन है इसलिए यहां एक वचन है ऐसा नहीं बोलना है, कर्म में एक वचन है इसलिए गम्यते में एक वचन है। बोलो आप, इसका जो वचन विषय हुआ है ना वो गच्छति को देखकर नहीं हुआ, वो किसको देखकर हुआ है? ये सही है कि गच्छति गम्यते हुआ। अब थोड़ी देर के लिए यहां समझना है, यदि यहां हम विद्यालय कर दें बहुवचन, क्या कर दें, तो कर्म बहुवचन का हो जाएगा, और यदि कर्म बहुवचन का हो जाएगा कभी गम्यते नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गम्यन्ते, क्या हो जाएगा, इसको आपको अच्छे से समझना, यहां गच्छति ही रहेगा, तो गच्छति गम्यते नहीं हुआ था, बल्कि कर्म को देख करके आप डिसाइड करोगे कि गम्यते होगा कि गम्यते होगा कि गम्यन्ते होगा। ये क्रिया पद देखो, जब आप पढ़ा रहे थे भूयते भूयते भूयन्ते,
वैसे गम्यते गम्यते गम्यन्ते, ये कर्मवाच की क्रिया है, इसका रूप वैसे चलेगा, गम्यते गम्यते गम्यन्ते, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते, बोलो हाँ, नीयते नीयते नीयन्ते, विद्यालय है तो गम्यते, विद्यालय तो गम्यते, विद्यालय तो गम्यन्ते, बात समझ में आ रही, इधर बालका है तो गच्छत, बालकौ है तो गच्छता, बालका है तो गच्छत, इसमें जो परिवर्तन आएगा वो कर्ता को देख कर आएगा, इसमें जो परिवर्तन आएगा वो कर्म को देख करके आएगा, बोलो हाँ, बात यही समझनी है, चाहे तो 10 मिनट में समझ लो, चाहे तो 10 घंटे लगा, सिस्टम यही है, बोलो हाँ, तो बेहतर होगा कि आप इसको समझे, आप समझना क्या है, कर्मवाच में क्रिया कर्म पर चलेगी, बस यही समझना, यानी कर्मवाच में क्रिया कौन सी लगेगी ये तो कर्म से पूछो, किससे पूछना है, यदि कोई आदमी इस क्रिया को देख करके बदल रहा है तो माने गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वो क्रिया तो कर्मवाच की क्रिया है, वो तो कर्ता के अनुसार चल रही, बोलो हाँ, अब देखना, मान लो हमने यहाँ कर दिया बालका, देखना तो इधर हो जाएगा गच्छन, बोलो हाँ, लेकिन ये कर्ता बालका है तो ये तृतीया के बहुवचन में जाएगा, अब बालकेन की जगह बालक ही होगा, बोलो हाँ, और इधर विद्यालय भी है तो ये जो कर्म एक वचन में था तो ये भी किसमें आएगा, माने ये कर्ता को देख करके ये कर्ता बदलेगा, एकदम राइट बात, इस कर्म को देख करके यह कर्म भी बदलेगा, सही बात, लेकिन इस क्रिया को देख कर ये क्रिया नहीं बदलेगी, बस इतनी बात ध्यान रखना है, इस ये कर्ता प्रथमा के बहुवचन में था तो ये कर्ता तृतीया के बहुवचन में हो गया, तो ये इसमें बहुवचनांतरता कहां से आई, यहां से, यहां बहुवचन था तो यहां भी बहुवचन हो गया, अच्छा यहां एक वचन है द्वितीया का एक वचन, इसीलिए यहां प्रथमा का एक वचन हो, बोलो आया ना, अब देखना यहां बालका है इसीलिए यहां गच्छन्ति है, अब आप गच्छन्ति देख करके यदि इसको बदलेंगे तो आप यहां कर देंगे गम्यन्ते, नहीं कर देंगे, और यदि आपने गच्छन्ति को देखकर यहां गम्यन्ते कर दिया मतलब आपका गलत हो गया, क्यों, क्योंकि क्रिया को देख करके क्रिया नहीं बदलती कर्मवाच में, कर्मवाच की क्रिया कर्म को देख करके बदलती है, हाल तो यही पर हो गया, हम कर्ता को देख करके कर्ता बदल रहे थे, कर्म को देख कर कर्म बदल रहे थे, उसी चक्कर में क्रिया को देख करके क्रिया बदल दिए, गड़बड़ा गया पूरा एकदम कौन पहुंचाते गड़बड़ा गया, यहां से आपको नजरें उधर नहीं इधर निहारनी, उधर नहीं निहारना है, गच्छन में बहुवचन है इसलिए गम्यन्ते में बहुवचन होगा, ना गलत हो गया, यहाँ एक वचन है, यहाँ क्या है, इसलिए गम्यते ही रहेगा, बोलो हाँ, ये गम्यते ही रहेगा, क्यों, क्योंकि विद्यालय में एक वचन है और कर्मवाच की क्रिया कर्म को देख करके चलती है, बोलो आया, कर्मवाच की क्रिया किसको लेकर चलती है, बात सीरियस मैटर नहीं है, मैटर सिर्फ इतना है कि क्रिया किसके अनुसार चलेगी, यदि क्रिया कर्ता को फॉलो कर रही है कर्तृवाच, और यदि क्रिया कर्म को फॉलो कर रही है, बात खत्म, और यदि क्रिया कर्ता कर्म किसी को नहीं फॉलो कर रही है तो वाच, बात खत्म, बोलो हाँ, अब क्रिया को समझ लो कि इज गर्ल, क्रिया इज गर्ल, गर्ल माने लड़की, बड़ी सुंदर सरोनी कन्या है, तो अपने बाबू को देख करके हर अनमैरिड लड़की अपने पिता के अनुसार चलती, बोलो हाँ चलती तो है, चाहे जमाना जितना बदला हो अभी चलती है, कुछ कुछ और अपवाद हर जगह होता है, तो यदि पिताजी एक वचन में थे तो बिटिया भी एक वचन में थी, बोलो हाँ, अच्छी बिटिया है, भारत की बिटिया है, बोलो हाँ, बाप को देख करके अपना रंग बदलती, बाप की औकात से अपनी औकात समझती, बाप की इज्जत से अपनी इज्जत समझती, बाप की प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिष्ठा, हाँ हाँ बोलते रहो, और यदि बाप बालकों हो गए द्विजनान हो गए तो विद्या द्विजनान हो गए, क्या बोली, ए बाबू हम भी द्विजन होंगे, जैसा तू जब तू खावे जब तू पीवे जब तू पहनावे तब से रहा तैसे खा तैसे पिय, अच्छी लड़की संस्कारी है सब, बोलो हाँ पक्का ना, बाबू जी बालकों नहीं गए और बालकों से अहम हो गए, क्या हो गए, तो क्रिया दक्षता है, नहीं, नहीं,
क्रिया क्या होगी, क्या हो जाएगा, बस इसको समझते रहना। और ये अहम नहीं रहा, यहाँ यहाँ क्या हुआ तो उधर क्या हुआ। एक चीज आपको पक्का पक्का पता चल गई, क्या क्रिया पूरी तरह से कर्ता का अनुगमन करती है, अर्थात पुत्री पिता का अनुगमन करती है। यदि पुत्री पिता का अनुगमन कर रही है तो समझना कर्तृवाच्य, कर्ता को बाप समझो, क्रिया को बिटिया समझ रहे हैं, समझ लो थोड़ी देर के लिए, बोलो हाँ। हर बाप एक जमाने के बाद बिटिया की शादी कर देता है, बोलो हाँ। कर्मवाच में बिटिया को ब्याह दिया बाप, बोलो हाँ। अब बिटिया वैसे वैसे चलेगी जैसे बाप कहेगा कि वैसे चलेगी जैसे भतार कहेगा। अरे हाँ ना बोलो, बात बताए, बोलो हाँ। अब बिटिया बता रहे भरता भरता पति, बोलो हाँ। गाँव में शब्द है, आप हंसले तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हंस ले। अंतर यही था, यदि क्रिया पिता का अनुगमन करती है तो कर्तृवाच, और यदि क्रिया कर्म का अनुगमन करती है तो कर्म इज हस्बैंड, कर्म इज। अब क्रिया वैसे बदलेगी जैसे हस्बैंड महोदय कहेंगे, हस्बैंड कहा जींस पहन, ठीक बोलो हाँ, साड़ी पहनो, हमारे घर पिक्चर देखने चलो। अब चाहे बाबू एक वजन में रहे, चाहे दो वजन में रहे, चाहे उत्तम पुरुष में रहे, चाहे मध्यम पुरुष में रहे, चाहे खाए पहने और चाहे ना खाए पहने, इससे डिसाइड होगा कि अब क्रिया कैसे चले, बोलो आया ना। अपनी गाड़ी कहते हैं ए यहाँ बहुवचन में है, रहा पा करी तुम्हारा मध्यम पे बचना ना, कहा मुंबा लेके चाहिए कि अपन हार का, यहाँ बिल्कुल बाजमन एक वजन में है, ये बहुवचन में है, प्रक्रिया के क्रिया बदल रही इसके अनुसार, बोलो हाँ ना, नहीं बदल रही है, नहीं बदल रही और ना बदलेगी। ही इज मैरिड क्रिया, अब वो बहु है और ये बहु है तो अपने पति का अनुगमन करेगी ना कि पिता का। अनमैरिड क्रिया कर्तृवाच, मैरिड क्रिया और फिर ब्याह ना करे, ना बाप की माने ना पति की माने, साध्वी है, साध्वी है, भावाच्य है, ना उसका कोई पिता। अरे साधु हो गए सदुआएंगे इनको कौन, बोलो हाँ, बोला वो सब भावाच्य, बोलो भाई ना, भावाच्य अपनी मौज में रहेगी, अपनी मस्ती में रहेगी, उसको कहाँ साधु बनना है, कहाँ जाना है, किस मंदिर जाना है, कैसे करना है, कहाँ से चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, कथा करना है कि भागवत करना है, कब सोना है, कब जगना है, बोलो हाँ या ना। तो यदि पिता के कहने पर चले तो ऐसी क्रिया कर्तृवाच बनेगी, और यदि पति के कहने से चले तो कर्मवाच बनेगी, और यदि ना तो कर्म की सुने ना कर्ता की सुने, अर्थात ना पति हो ना पिता हो, पिता रहेगा तो सुनेगी नहीं, चलेगी नहीं, कर्ता तो रहेगा, बोलो हाँ। तो कर्ता के अनुसार क्रिया अपना भाव नहीं बदलेगी, क्रिया उसके अनुसार नहीं चलेगी, भाववाच्य में भी यही होता है, क्रिया स्वतंत्र है, इसीलिए हमेशा एक वचन में रहती है, कभी नहीं बदलती, चाहे कर्ता में एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे दो वचन हो। अब इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, जैसे हम कहें कि बालका हंसती, कर्म नहीं है, कहीं है नहीं है, तो इसका भाववाच बनेगा तो बालकेन हस्यते, क्या बनेगा फिर देखना, बालका हसन्ति, बोलो हाँ, ये कर्तृवाच है, बालका हसन्ति क्या है, कर्तृवाच है, बालका हसन्ति क्या है, क्योंकि क्रिया किसका अनुगमन करेगी, हाँ, तो जहां भी क्रिया करता का अनुगमन करेगी वो सब क्या है, बालका हसन्ति, देखना बालका हसन्ति में बालका है इसलिए हसन्ति हो गया, तो बालका को बदलेंगे तो किसमें बदल जाएगा, बालकई, और हसन्ति जाएगा तो क्या हो जाएगा, हस्यन्ते, हस्यते ही रहेगा, यदि बालकई से हस्यन्ते बदल जाए तो फिर इसका मतलब बाप के अनुसार चल रही, बोलो हाँ या ना। कोई कर्म है नहीं तो कर्म के अनुसार चलेगी नहीं,
और भाव वाच में क्रिया कर्ता को लेकर के नहीं बदलती, ना क्रिया वासना आई, वो हस्यते है यहाँ भी और यहाँ भी। एक वचन करता है तो भी हस्यते, बहुवचन करता है तो भी हस्यते। बोलो हाँ या ना? अहम हसामि, अहम के अनुसार क्रिया बदली, बोलो हाँ। अहम को बोलोगे क्या बोलेगा? मजा। और हसामि हस्यते, ये नहीं बदलेगी गुरु, ये अहम हो जाए तो हाँ हसामि बदलो, हस्यते नहीं बदलने वाला। चाहे मजा हो, चाहे त्वरा हो, चाहे बालकई हो, चाहे बालकई हो, चाहे अस्मा भी हो, ये हस्यते की हस्यते है, हस्यते ही है। ना कर्ता का आवरण करती कर्म को होता नहीं, कर्म तो भाव वाच्य में होता ही नहीं। इसका मतलब इसका तो हस्बैंड है ही नहीं, बोलो ना, इसका हस्बैंड तो। और जब ये सभुआ गई तो कौन साधु घर से मतलब रखता है क्या? साधु संत घर से मतलब रखते हैं नहीं, ये सधुआई क्रिया संत्यायन है। बोलो हाँ, किसी साधु संतायन का नाम लो, योगियायन है, योगियायन। बोलो हाँ या ना? तो ये साध्वी निकम्बरा है, साध्वी निकम्बरा का नाम सुना आपने? हाँ, साध्वी साधुनी साध्वी साधु पुलिंग है, और यदि सधुआई है वो सब साध्वी, ठीक है। तो ये साध्वी क्रिया है। अहम हसामि, देखो यहाँ हसामि क्रिया अहम के अनुसार चल रही, यहाँ हसंत क्रिया बालका के अनुसार चल रही, यहाँ हसंत क्रिया बालका के अनुसार चल रही। बोलो हाँ, तुम हससी, यही बनेगा ना, मध्यम पुरुष का करता है, मध्यम पुरुष की क्रिया है, तुम को क्या बोलोगे? तो यार ये क्या होगा, ये क्या होगा? हस्यते में कोई परिवर्तन नहीं करना। बोलो हाँ, इसीलिए भाववाच्य, इसीलिए क्या है? त्वया तो भी हस्यते, मया तो भी हस्यते, बालके तो भी हस्यते, बालकई तो भी हस्यते, और बालिका हसति। यहाँ हसति क्रिया किसके अनुसार? इसीलिए कैसा वाच्य है? कर्तृवाच्य। कैसा वाच्य है? कर्तृवाच्य में बदलो, बालकया हस्यते, बालक पुल्लिंग था। बोलो हाँ, और ये स्त्रीलिंग है, लिंग बदल गया, हंसना नहीं बदला। बोलो हाँ, हंसते ही रहेगा। दो लड़कियां हंस रही, दो लड़के बाकी नहीं हंसेंगे, केवल दो लोग हंसेंगे, बालिके हंसता, क्योंकि बालिका बालिके बालिका द्विवचनांक के रूप में हंसता बनेगा। बोलो हाँ, हंसती हंसता। बोलो हाँ, बालिके को कृतिया के द्विवचन में बदलो, क्या होगा? बालिकाभ्याम ना, बालिका बालिकाभ्याम। अब हसता को बदलो, क्या बोलेंगे? बालिकया हस्यते, बालिकाभ्याम हस्यते, और वहां यहां बोले बालिका हसन, इधर क्या बोलेगा? बालिका हुआ तो क्या हुआ? एक वचन हेतु, एक वचन हेतु, द्विवचन हेतु, बहुवचन हेतु, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी, ध्यान रखना कर्तृवाच्य। बोलो हाँ, भले ही कर्म नहीं है, कर्तृवाच्य, क्योंकि क्रिया सब किसका अनुबंध करें। अब जब बालिका को तृतीया में तो बदलेंगे, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो तृतीया में एक वचन में बदलेगा। कर्ता के लिए नहीं कहा सब जगह एक वचन गुजर चल जाता है, कर्ता एक वचन का है जो तृतीया के द्विवचन में बदलो, कर्ता बहुवचन का जो तृतीया के बहुवचन में क्या बदलेंगे? बालिका ही जल्दी बदलो। और हसंति को, हसंति क्या होगा? हस्यते, वो भोजनान तो इसलिए हसंते करने नहीं, क्रिया को लेकर नहीं, और ना तो भाववाच की क्रिया कर्तृवाच की क्रिया को लेकर के नहीं बदलती, भाववाच की क्रिया कर्ता को लेकर के नहीं बदलती, और भाववाच की क्रिया को कर्म तो देखने के लिए है। यदि कर्म को देख, कर्म को देखने, यदि कर्म हो जाएगा तो भाववाच भाववाच नहीं रह जाएगा, फिर वो कर्मवाच हो जाएगा। बोलो हाँ, जिस किसी भी वाक्य में कर्म आ जाएगा वो कभी भाववाच्य नहीं हो सकता, उसकी सबसे बड़ी कंडीशन है, भाववाच्य के लिए सबसे लंबी कंडीशन है कर्म का अभाव। कर्म का यत्र यत्र कर्म तत्र तत्र कर्मवाच्य, जहां जहां भी कर्म आएगा कर्मवाच्य हो जाएगा, और कर्ता तो कर्तृवाच्य में भी रहेगा, कर्मवाच्य में भी रहेगा, भाववाच्य में भी रहेगा, कहीं प्रधान होकर रहेगा, कहीं अप्रधान होकर के रहेगा, पर कर्ता रहेगा जरूर। बात समझ में आ गई? भाववाच्य में कर्म नहीं रहेगा,
लेकिन भाववाच्य में करता रहेगा और कर्तृवाच्य के कर्ता के अनुसार बदलेगा। शब्द के देने बालिका में क्या है, एक वचन, कहां है बालिका, ये है हरावना, बालिका बालिके बालिका, तो हसती हसता हसन, पर यहां देखो हस्यते हस्यते हस्यते, एक परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी यहां पर क्रिया की प्रधानता है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में थी है और रहेगी, थी है और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। अब क्रिया में परिवर्तन होता है कर्म को देखकर, और या तो क्रिया में परिवर्तन होता है कर्ता को देखकर, यदि क्रिया परिवर्तित होती है कर्ता को देखकर के तो कर्तृवाच्य, और यदि क्रिया परिवर्तित होती है कर्म को देखकर के तो कर्मवाच्य, और यदि क्रिया परिवर्तित ही नहीं होती तो भाववाच्य। भाव माने क्रिया, भाव माने क्रिया, सिस्टम यही है, अभ्यास बहुत है, प्रैक्टिस आप जितनी कर लो इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो आपको आज सिस्टम बताने की कोशिश थी कि आप देख लें, और जितना ज्यादा यहाँ से अभ्यास करके जाएंगे उतनी आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी बात वाच कठिन नहीं है, वाच में लोग कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन का यदि आपने अच्छे से सिस्टम को फॉलो किया है, कर्ता को हमेशा तृतीया में ही बदलेंगे, कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा में होगा और जब भी बदला जाएगा तृतीया में होगा, चाहे आप कर्मवाच्य बना रहे हो चाहे आप भाववाच्य बना रहे हो। मोटी मोटी बात मेरे दिमाग में धस गई तो आगे बढ़े, धस भर ना जाए पच जाए, और यदि खाने का अपच हो जाए तो खाना जहर हो जाता है, बोलो, ऐसी पढ़ने का अपच हो जाए तो पढ़ाई भी जहर हो जाती है, बोले हाँ या ना। बात सिर्फ ये नहीं होती, मान लो हमने कोई शब्द ऐसा कह दिया, कहते ही रहते हैं, हमारा मुंह है हम तो बोल ही देते हैं, हमारे बोलने का एक ही मकसद होता है कि आप खुश रहें, आनंद रहें, हंस लें, और मान लो उसी हंसने में किसी को लगा कि हाँ हाँ लड़का लड़की सब बोले ना बताओ बोल दिए, ऐसा लगता है कि पहली बेर से हमसे बताओ सुने, एक ही पहले तो वो सुनबे नहीं है, और यदि नहीं सुने अर्थ नहीं जानते हो तो हंसे जाए, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग पे जो भाव सिर्फ हंसाना था तुमको हंसाना नहीं था, हंस लो और उसमें बहुत सोचो मत, जब क्लास से निकलो तो घर घर आ जाओ, बोलो हाँ। नमः के योग में चतुर्थी लगती है तो ये भी सच है कि स्वाहा के योग में भी चतुर्थी लगती है, यदि कुछ अच्छा लगे तो नमः के योग में चतुर्थी लगा लेना, और कुछ चीज बुरा लगे तो स्वाहा कर देना, सर्वज्ञ स्वाहा, सर्वज्ञ स्वाहा, सर्वज्ञ स्वाहा, स्वाहा माने सर तुम्हारी भी फसम होना है तुम्हारे अंदर, सही है। निजी तरीका है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वकट योगाच, और हम इसका फॉलो करते हैं, यदि आपको कोई बात अच्छी लगे तो नमः करके स्वागत करना, और कोई बात आपको हमारी बुरी लग जाए तो स्वाहा में भी तो चतुर्थी लगती है, लगा नहीं देते लग तो दिन लो कि जो सर्वज ने आज ये बताया उसके लिए एक चतुर्थी लगा कहे स्वाहा, ठीक है हमारी चीज है स्वाहा कर दो हमारे पास रहे। और देखो मैं भगवान नहीं, अब भगवान ना बनाओ, जितने भगवान बने हैं उनकी दुर्दशा हम देख रहे हैं, तो हमको राम ना बनाओ, राम रहीम बनाओ, जितने भगवान बने हैं सबको भगवान अपने जहाँ भगवान पैदा हुए हैं वही बुलाए, इतनी कृपा न करें उनका वजह रहे, इसलिए मानो हूं हम में दोष है, हम में कमियां हैं, और उन कमियों के साथ भी हम सुंदर रखते हैं, बोलो हाँ। जब भी आप मानव से मानवेतर बनने की कोशिश करते हैं, अपने को भगवान बनाते हैं, तो फिर भगवान अपने पास बुलाई लेता है जल्दी से, तो हम भगवान कहते हैं भगवान हम तो मन ही बने रहा दे, हम तो भगवान न बना, ठीक है। इसलिए मैंने कहता रहता हूँ भाई वाच ही पढ़ रहे हैं आपको ये पढ़ाने का एक तरीका था, मुझे लगा कि ऐसे बताएंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई कोई पुत्री है जो पिता का अनुसरण करती है, पिता को हमने कर्ता बना दिया, कर्ता को पति बना दिया, और प्रिया को लड़की बना दिया, लड़की का दो रूप आप देखते हैं, एक मान भरा हुआ एक गैर मान वाला, गैर मान भरा हुआ मतलब वो अमेरिक लड़की है और मान भरा मतलब नहीं है, तो ये पठते में ये है ये मान गया ये उसका मान भरा मतलब सी इज मैरिड, और सी इज मैरिड तो फिर फादर का अनुगमन नहीं करे, हस्बैंड को अनुगमन करेगी, और बाप ने हस्बैंड को हटा नहीं तो क्या कहते हैं बोलो,
अब आप बाद में तुमसे बोल दिया में जब पढ़ाता था तो कक्षा 11 का क्लास टीचर हुआ तो वहां कक्षा 12 वालों की विदाई करनी थी। कक्षा 12 वालों की विदाई करनी तो 11 वालों ने कहा कि सर जी फिल्में गाना बजा के नाच ले नाच। अरे उसके बाद से 12 वाले जा रहे हैं, 12 का स्कूल कर दिया ऐसी मान लो एक महीना नाच लग गए होंगे नाच लेते होंगे। क्लास टीचर हमने कह दिया बजाओ गाना, बजाए गए गाना लागे खूब नाचे, लड़का लड़की नाच ली, बहुत सारे मास्टरों की इज्जत उतर गई। भोले भोले खबर भाषा ने पूरे स्कूल का तबाह कर दिया, उसने लड़के लड़कियों को सबको नचा दिया, बताओ फिर भी गाना बजवा दिया। बहुत के कुछ लोग भाई अपनी इज्जत लेके मंच से उतर गए। हम बेइज्जत आदमी हम बोले कि चाप के हो गाना बजाओ। साल भर में तुम्हारे यहाँ पढ़ा है और जितने की इज्जत उतरी है सवेरे सवेरे तुम अपने द्वारे बैठ के चूड़ी मजाना देगी, कंगन मजाना देगा, तेरे वगैरह साजन सावन मजाना देगा। दूसरे दिन वही मास्टर जो मंच से भाग के आए थे चना चबा रहे थे और रेडियो में गाना सुन रहे थे, सच में यही गाना जो मैंने आपको गाया यही बज रहा था। हम कहे मास्टर साहब आप वहां इज्जत नहीं उतरी, असल में इज्जत वाले थे तो काहे रेडियो में गाना सुन रहे हो, अकेले में छुरी मजाना देगी और सबके सामने छुरी मजा देगी। वही व्यवहार करो जो दुनिया के सामने कर सकते हो। और यदि आप गाना को इतना बेवकूफ समझते हैं तो घर में अपनी मम्मी के सामने, अपनी पत्नी के सामने, अपनी बिटिया के सामने, बेटा के सामने छोटी बनाने की सुनोगे और अपने छात्रों के सामने क्यों नहीं सुनोगे? वो तुम्हारे पुत्र हैं, वो तुम्हारी पुत्रियां हैं। और यदि तुम्हारे अपने घर में गाना सुन नहीं छोड़ा तो ऐसे बात को हो दो घर में गाना छोड़ो छोड़ो ना लाएगा ना करो। अपनी सच्चाई अपने सामने रखो, हम जो है वही जानो, जो हम नहीं है वो हमको नहीं जानो। और ये आपके लिए भी सही है और मुझे ऐसा लगता है ठीक है मर्यादा बनी रहनी चाहिए। एक दिन मान लो अच्छा 12 वाले गाना बजा के नाची नहीं तो कौन तुम्हारी जन्म लड़का नहीं बजाए दे गा ले दो बोल परीक्षा दे जाते थोड़ा हल्का हो जाएगा मन, मन हल्का हो जाएगा खुश रहे बोलो आप क्या करोगे। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी इज्जत उतर गई। अपनी अपनी सोच है, अपनी मानसिकता है और हम इस मानसिकता को आप ही देखो। और मैं आपको भी बता रहा हूं देखिए यदि आप नाच सकते हैं, आपको गाना अच्छा लगता है, आपको बजाना अच्छा लगता है, आप गुनगुनाते हैं तो देखो वो भी तुमसे ज्यादा जमा करके हैं। और अपनी जवानी में जो जो तू कर्म करे हो याद रखो भूल न मत, आप भूला जाते हो मास्टर बने के बाद याद रखो तो बहुत बड़ी लड़का है। और मान लो कहीं कोई ऊंच नीच हो गए लड़का लड़की के भी तो बढ़िया से बड़े सहारा के समझा दे होंगे भाई ठीक है आप मुझे समझाओ उठाओ सब कुछ करो ये कौन सा मतलब है क्यों लड़का लड़की का नाम काट हमारे क्या लगा बात है लड़के बड़े हैं वह जो लड़कों ने दिए किसी ने लिख दिया कि आई लव यू उसका नाम दिलाओ पता चला भाई हुई कौन है कौन है पता चला लड़का बोल रहा है हम कर क्या है। अरे यार ये बचिया तो उसे जाने कहीं से कर रहे हैं समझाओ सारी बात पता है लड़के लड़का उनकी गलती नहीं है और लड़की लड़की उनकी गलती नहीं। ये एक अवस्था है, ये एक उम्र है, ये एक सोच है, एक विचारधारा है और उस सोच और उस विचारधारा में खड़े होकर आपको सोचना पड़ेगा। आज आप प्रिंसिपल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब गधे हैं बेकार। अच्छा मान लो यहाँ पर गला काट देगा ना पार दे और अगर यहाँ कर लूंगी क्या बाजार में कभी कहा गावन कभी कहा वो तो अगले तुम्हारा पावर में मालूम तो बेहतर है उसको शिक्षा की ज्यादा जरूरत है उसको थोड़ा काउंसलिंग उसके साथ मित्र व्यवहार वो बताएगा सर ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ। और ऐसे हमारे सारे लड़के लड़की पक्के मित्र होते थे और या तो कोई बहुत चंचल आदमी बहुत बेकार होगा और या तो बहुत अच्छा हो गया है बोलो हाँ। तो इस संभावना को ध्यान में रखिएगा और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तो सब बाप है छात्र यूनियन की बात कर रहा हूँ आपको बड़े छात्र क्योंकि मैं इंटर कॉलेज में था इसलिए मैं बात करता हूँ पूरा से है। अब आपको फिर से कर्तृवाची कर्मवाची की एक सैर करा देता हूँ फिर से कर्तृवाची का कर्ता प्रथमा मिया
कर्तृवाचक क्या करता और कर्मवाचक क्या करता तृतीय है, भाववाचक का भी करता तृतीय है। और कर्मवाचक और भाववाचक की क्रिया सेम रहेगी, गमते पढ़ते लिखते चलते नियते हंसते बोलते, इसी प्रकार की क्रियाएं कर्मवाचक में भी रहेंगी और भाववाचक में। कितना आसान है, आपको कर्मवाचक में क्रिया अलग से नहीं लानी, भाववाचक में भी क्रिया अलग से नहीं लानी, एक ही रूप से दोनों काम चल जाएगा, कर्मवाचक का भी भाववाचक का। ऐसे ही कर्तृवाचक का कर्ता जब कर्तृवाचक के कर्ता को बदलेंगे कर्मवाचक में तो भी प्रतिया में, और जब कर्तृवाचक के कर्ता को भाववाचक के कर्ता में बदलेंगे तो भी प्रतिया में। मोटी मोटी बात समझ में आ गई, अर्थात क्या करें इस दोनों का आंसर बताना कौन सही होगा। कौन पूछा है? प्रैक्टिस सेट में था दोनों, ये पहला दूसरा और इसमें तीसरा कर लेंगे इसको। माने कर्ता कैसे बदलेगा, कर्ता बदलेगा कर्मवाचक तृतीय में, और कर्तृवाचक कर्ता जब भाववाचक बदलेगा तो भी तृतीय। यहाँ पर कोई दिक्कत, अब केवल कर्म को बदलना है तो आप ऐसे देख लें कि यदि कर्तृवाचक है तो उसमें कर्ता भी होगा, कर्म भी होगी और क्रिया भी, और जब आप इसको कर्मवाचक में बदलेंगे तो उसमें भी क्या होगा, कर्ता भी होगा, कर्म भी होगी, क्रिया भी होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा शुरू करते हैं, कर्ता कर्म और क्रिया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में क्रिया होगी, और क्रिया माने एक का मतलब कर्ता है दूसरा, और कर्मवाचक में कर्ता और कर्मवाचक में कर्म ना, और क्रिया माने कर्म का अनुमान करेगी, किसका अनुमान करेगी, भूल हाँ, और भाववाचक में कर्ता तृतीय, तीन का मतलब तृतीय, तीन का मतलब एक का मतलब दो का मतलब एक का मतलब, और क्रिया के प्रथमा द्वितीय का मतलब, क्योंकि क्रिया में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तो चलता नहीं, तो क्रिया का जो एक है वो कर्ता के एक का अनुगमन करेगा, ये सूचना मिल रही है, इधर का एक इस एक का अनुगमन करेगा, ध्यान रखना, और इधर तृतीय में जो कर्म तो होगा नहीं, भाववाचक में कर्म तो होगा ही नहीं ना, बोलो हाँ, भाववाचक इसीलिए भाववाचक इसमें कर्म होता नहीं, और क्रिया जो होगी वो हमेशा एक ही तरह की रहेगी, एक एक ही प्रकार, ये एक तीन का अनुगमन नहीं कर रहा, ये एक सिर्फ ये बता रहा है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में हमेशा क्रिया रहेगी, चाहे कर्ता प्रथम पुरुष का हो, चाहे मध्यम पुरुष का हो, चाहे उत्तम पुरुष का हो, चाहे एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, इस एक का मतलब एक तरह, एक समान, एक ही तरह का, बोलो हाँ। तो ये समझ में आ गया, ए 3-1, 3-1-1 और 1-2-1 कर लेंगे, यानी प्रथमा द्वितीय और कर्ता के अनुसार, तृतीय प्रथमा और कर्म के अनुसार, तृतीय और अपने अनुसार, जैसे है वैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी तीन होता, यहाँ भी तीन होता, तब ना पता चलता कि इसका अनुमान कर रही, बोलो हाँ, अर्थात यहाँ पर भी क्रिया की प्रधानता, यहाँ कौन प्रधान, क्रिया, और यहाँ कौन प्रधान, और यहाँ कौन प्रधान, कर्ता प्रधान प्रथमा विभक्ति, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान तो प्रथमा विभक्ति दो बोले, इसीलिए कर्तृवाचक कर्ता में प्रथमा है, क्योंकि भी प्रधान होगा इसमें प्रथमा होगी, इसीलिए कर्तृवाचक कर्ता में प्रथमा, कर्मवाचक कर्म में प्रथमा, और भाववाचक भाव में, भाव में क्रिया, तो क्रिया अपने अनुसार रहेगी, एक ही तरह की रहेगी। ये सिस्टम आपको समझ में आया, कर्तृवाचक कर्मवाचक और भाववाचक, कर्तृवाचक कर्मवाचक और भाववाचक। अब आपको इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस बताते हैं, आपको जैसे मान लीजिए कोई सभी वाक्य लिखिए, सुरेशा पाठम पठति, कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है, कैसे जाने, कैसे जाने भाई, कर्ता में सुरेशा है,
और अखंडे निकलते चलते गमते भूलते यही कर्मवाच से भाववाच की क्रियाएं यदि पता नहीं लेकर के चला तो गच्छन के नया की भगवती है तो समझना कर्तृवाच बोलो हाँ और श्रेयसा रमेशा कामेशा यज्ञेशा सब ये प्रथमा है मतलब कर्तृवाच है तो ये कर्तृवाच है आखिर मन के बोलो चाहे बोलो दोनों जगह से सूचना मिलेगी वैसे तो तीनों जगह से सूचना मिलेगी श्रेयसा में प्रथमा है इसलिए जानेंगे पढ़ा नहीं पढ़ता पढ़ने के बाद बोलो इसलिए जानेंगे और यहाँ द्वितीय है इसलिए जानेंगे बोलो हाँ भाई भाववाच्य में कर्म होता नहीं और इसमें कर्म है इसलिए भाववाच्य नहीं हो सकता बोलो हाँ भाववाच्य के कर्ता में तृतीय होगी यहाँ प्रथमा है इसलिए भाववाच्य नहीं होगा भाववाच्य क्रिया पठते लिखते चलते गम्यते चलती है यहाँ पठन है इसलिए भी भाववाच्य नहीं होगा बोलो हाँ यहाँ यह कर्मवाच्य क्यों नहीं होगा क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म तो होता है लेकिन कर्म होता है प्रथमा में और यहाँ क्या लगा है इसलिए कर्मवाच्य नहीं है कर्मवाच्य का कर्ता हमेशा तृतीया में होगा और ये कर्मवाच्य का कर्ता हमेशा यहाँ क्या है इसलिए ये कर्मवाच्य नहीं है और पठन लिखा भी चला की गच्छति भवति नयति ये कर्मवाच्य की क्रिया नहीं है कर्मवाच्य की क्रिया है पठते लिखते चलते गम्यते भूलते नीयते स्थीयते गीयते ये सारी क्रियाएं हैं किसकी इसलिए इन सारे कारणों से को मद्देनजर रखते हुए ये आदेश दिया जाता है कि पूरा वाक कर्तृवाच्य क्योंकि कर्ता में प्रथमा है कर्म द्वितीय है और क्रिया कर्ता के अनुसार है बोलो हाँ क्रिया तो सुलेशा को कर्मवाच्य में बदलना है बोलो सुलेशा कर्मवाच्य क्योंकि कर्म है तो किसमें बदलेगा सुरेशा को किसमें करेंगे किसमें तृतीया में क्या होगा हाँ बिल्कुल सही है सुरेश अब ये पाठम है क्या बनेगा पाठा और ये पठति है तो पठति को पठते कर रहे हैं पाठा के अनुसार कर रहे हैं किसके अनुसार पक्का ना ये सुरेशन पाठा पठते ये किस वाच्य में कर्मवाच्य में क्या ये भाववाच्य हो सकता है क्यों कर्म है और कर्म के रहते भाववाच्य कभी नहीं होगा मान लो यहाँ ऐसे लिखें पाठान पठत सुरेशा पाठान पठत पाठान बहुत सारे पाठों को द्वितीया का बहुवचन है एक सुरेश एक पाठ पढ़ेगा तो पाठम पठत दो पाठ पढ़ेगा तो पाठम पठत और दो से ज्यादा पढ़ेगा तो पाठम पठत ना मान लो एक ही दिन में क्या तीन चार पाठ नहीं पढ़ सकते हैं तो एक ही आदमी है करता एक ही है पढ़ता है लेकिन चार पाठ पढ़ता है तो पाठान पठत होगा कि नहीं पहले पाठान होगा इस समय आया कैसे हुआ जब एक पाठ पढ़ता था तो पाठम पठत अब बहुत सारे पाठ पढ़ता है तो पाठान पढ़ते बोले सर यहाँ तो एक ही वचन है तो क्या दिक्कत है क्या एक सुरेश कई सारे पाठ नहीं पढ़ सकता पढ़ सकता है इसलिए कर्ता एक वचन का है और कर्म बहुचनांत हो जाए कोई दिक्कत बोलो हाँ क्योंकि एक ही कर्ता एक साथ बहुत सारे कर्मों को कर अब यहाँ देखा सुरेशा है तो सुरेशे नहीं गए पाठान है तो पाठान ये द्वितीया का बहुवचन द्वितीया का प्रथमान होगा तो क्या होगा ये पाठान है द्वितीया का बहुवचन तो कर्म द्वितीया का बहुवचन है तो जब बदलेगा कर्मवाच्य में तो कहां बदलेगा प्रथमा के द्विवचन हम कह रहे हैं कि ये द्वितीया का बहुवचन है तो जब प्रथमा में बदलेगा तो किसमें बदलेगा तृतीया में तो केवल कर्ता बदलता है गुरु जी हम कर्म बदल रहे हैं कर्म ये बहुवचन का है तो जब बदलेगा तो एक वचन में बदलेगा कर्म करता नहीं होता कर्ता तो यही कर्म प्रधान होता है हाँ ये प्रथमा के बहुवचन में बदलेगा क्यों
चूड़ी चुंडिया का बहुवचन है, इसलिए जब बदलेगा तो प्रथमा के बहुवचन में बदलेगा। बोलो हाँ, तो प्रथमा का बहुवचन क्या होगा? पाठा पाठौ पाठा। क्या बनेगा? पाठा पाठौ पाठा, पाठम पाठौ पाठान। ये पाठान द्वितीय का बहुवचन का था, इसीलिए जब वो बदला तो द्वितीया का बहुवचन प्रथमा के बहुवचन में बदलेगा। फिर से नोट कर लेना, यदि कर्म द्वितीय के एक वचन में है तो वो प्रथमा के एक वचन में बदलेगा। बोलो हाँ। यदि कर्म रहेगा तो द्वितीय में, कर्म जब भी कर्तृवाचक रहेगा तो उसकी एक ही विभक्ति होगी द्वितीय, या तो एक वचन में रहेगा, या तो द्विवचन में रहेगा, या तो बहुवचन में रहेगा। और जब भी आप उसको कर्मवाचक बदलते समय बदलेंगे तो यदि द्वितीय का एक वचन है तो प्रथमा के एक वचन, यदि द्वितीय का द्विवचन है तो प्रथमा के द्विवचन, और यदि द्वितीय का बहुवचन है तो प्रथमा के। अब क्लियर हो गया ना? पक्का? देखिए मैं फिर से क्लियर कर दूं, कर्ता का विभक्ति वचन पूरा तृतीय के विभक्ति वचन में ट्रांसफर होगा, ये प्रथमा है, यानी एक नंबर तीन नंबर में आएगा। एक नंबर, अब एक नंबर है प्रथमा विभक्ति, यदि एक एक है तो तीन एक में आया, एक मतलब प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का, और यदि प्रथमा का द्विवचन है तो तृतीय के द्विवचन में आया, और यदि प्रथमा का तीन मतलब बहुवचन समझ लो तो किस में आएगा? तो ये तृतीय के बहुवचन में आएगा। और क्या कर्ता विभक्ति चेंज करेगा और वचन चेंज करेगा। बोलो हाँ। कर्ता विभक्ति, विभक्ति माने प्रथमा, तो प्रथमा से तृतीय में आया तो केवल विभक्ति भर नहीं बदला, उसने सुरेशा से पूछा कि भैया कौन वचन हो, तो सुरेशा ने कहा कि भैया हम तो एक वचन, तो तृतीय में बदलते समय तृतीय भी एक के वचन में आया। मान लो यहाँ सुरेशन होता, सुरेशन, तो यहाँ क्या होता? सुरेशा सुरेशन सुरेशा, ऐसा लोग चलता है, ये प्रथमा का द्विवचन है, तो यहाँ क्या होगा? क्या सुरेशाभ्याम, चूंकि तृतीय का द्विवचन यही है सुरेशाभ्याम। बोलो आया ना, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अपना घूम रहा है। अच्छा मान लो यहाँ सुरेशा, यहाँ सुरेशो नहीं सुरेशा है, तो इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? जैसे बात कही रामी, वैसे तृतीया के बहुवचन में आएगा। ये बात पहले आपको समझ ले, समझ गए? कर्ता यदि प्रथमा के एक वचन में है तो तृतीया के एक वचन में, यदि कर्ता प्रथमा के द्विवचन में है तो तृतीया के द्विवचन में, और ये कर्ता प्रथमा का बहुवचन है तो हाथ में है। समझना क्या है? प्रथमा को तृतीय में करना है, बस एक लाइन में पूछे तो प्रथमा को तृतीय में करना है ना। बोलो हाँ या ना। अब एक वचन में है तो एक वचन में बदलेगा, द्विवचन में है तो द्विवचन, या बहुवचन में है तो बहुवचन बदलेगा, बात खत्म। बोलो हाँ। चेंज पूरी तरह से होगा ना, ऐसा थोड़ी कि प्रथमा का एक वचन है तो तृतीय के बहुवचन में बदल जाए, नहीं नहीं, प्रथमा का एक वचन तृतीय के एक वचन में, प्रथमा का द्विवचन तृतीय के द्विवचन में, प्रथमा का बहुवचन तृतीय के बहुवचन में, ठीक हो गया। अब यहाँ बदलता है कि द्वितीय बदलती है प्रथमा ना, यदि द्वितीय का एक वचन है तो ये प्रथमा का एक वचन होगा। बोलो हाँ। यदि ये द्वितीय का द्विवचन है तो ये प्रथमा का द्विवचन होगा, और यदि ये द्वितीय का बहुवचन है तो ये प्रथमा का बहुवचन होगा। बोलो हाँ या ना। वचन वचन में बदलेगा, वचन वचन में और विभक्ति विभक्ति में, तो प्रथमा को तृतीय कर्ता के लिए, कर्ता के बदलने में प्रथमा का कर्ता तृतीय। बोलो हाँ या ना। और कर्म के संदर्भ में कर्म है द्वितीय, तो द्वितीय प्रथमा, द्वितीय किसमें? द्वितीय किसमें? कोई दिक्कत? और क्रिया, ये वाली क्रिया कर्ता के अनुसार, यदि यहाँ सुरेशा आपने लिख दिया तो यहाँ क्रिया भी बदलनी पड़ेगी, पठन। अब देखो इसको सुरेशा को बदलो, क्या बदलेंगे? सुरेशा प्रथमा का बोलने में क्या करेंगे? सुरेश ही, और यहाँ पाठान है तो पाठा, और यहाँ पठंती है तो पठंती को देख करके हम नहीं बदल रहे हैं। अब हम
हमको इन क्रिया को बदलने के लिए पाथा देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, पाथा है, इसलिए क्या हो जाएगा, और मान लो यहाँ सोएसा है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हाँ, और यहाँ पाठान है तो यहाँ क्या होगा, अब इधर सोएसा है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ सोएसा है तो यहाँ पद्धति हो गया, लेकिन यहाँ पाठा है तब भी पठति पठ्यन्ते नहीं हुआ, यहाँ पाठा को देख करके पठ्यन्ते हुआ। मान लो हम क्रिया को देख करके बदलते तो जैसे हमने यहाँ देखा कि एक वचन तो यहाँ भी एक वचन कर दिया, यहाँ बहुवचन तो यहाँ भी बहुवचन कर दिया, और यदि हम यहाँ भी एक वचन देख के यहाँ एक वचन कर दे तब यहाँ गलत हो जाएगा। बोलो हाँ, कर्ता को बदलते समय दोनों कर्ता को देखो, कर्म को बदलते समय ऊपर नीचे देखो, लेकिन क्रिया को बदलते समय ऊपर न देखो बगल देखो, क्रिया को बदलते समय ऊपर न देखो बगल में देखो, कर्मवाचन, अब बगल में उसका पति बैठा है, बोलो हाँ, अब ये जैसा कहेगा वैसा इसको करना पड़ेगा, ये कहे चल मैं नीता हूं कहे चलो, अब यहाँ पाठान आए तो क्या हो जाए, पठ्यन्ते, मान लीजिए यहाँ पाठान होता तो पठ्यते होता, बोलो हाँ, बात समझ में आ रही, अर्थात ये वाली क्रिया कर्मवाच की क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार चले, बोलो आया ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, देखो अहम अहम बालिकाम पश्यामि, क्या अर्थ हो जाएगा, बोलो क्या अर्थ हो जाएगा, मैं बालिका को देखो, देखो हमको क्या करना, देखो वाच परिवर्तन करो, अहम को मया, और बालिकाम गुड़िया का एक वचन है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ तो क्या होगा, क्या होगा, बालिका ये प्रथमा में आएगा, और इधर पश्चाम है तो पश्चाम देख कर नहीं बदलना है, क्या बनेगा, अब देखो आप पश्चाम है आप कहेंगे हे भगवान यहाँ तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो रहने, तो उससे क्या मतलब, पश्चाम तो हम के अनुसार है, हमको तो बालिका के अनुसार क्रिया देखना है ना, बालिका दृश्यते, मया बालिका दृश्यते, मैं लड़की को बालिका को देखता हूँ, मेरे द्वारा लड़की देखी जा रही है, ये अपना कहने का अंदाज है, मेरे द्वारा बालिका देखी जा रही है अथवा मैं बालिका को देखता हूँ, जब आप कहते हैं मैं बालिका को देखता हूँ कर्मवाच, मेरे द्वारा बालिका देखी जा रही है कर्मवाच, बस कर्मवाच में ये कर्मवाच है क्यों, चूंकि इसमें प्रथमा है, और ये कर्मवाच है क्यों, चूंकि इसमें प्रथमा है, बोलो हाँ, यहाँ कर्ता की प्रधानता, यहाँ कर्म की प्रधानता, यहाँ यहाँ कैसे जाने कर्म की प्रधानता कैसे, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार, यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार, इसमें कर्ता कैसे प्रधान, बोलो कैसे प्रवर्तन, बोले क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है इसीलिए ये कर्ता प्रधान है, और जो प्रधान होगा, जो मुख्य होगा, जो मेन होगा, उसी में प्रथमा लगे, और यहाँ कर्मवाच्य बालिका में प्रथमा लगी है क्योंकि ये क्रिया बालिका के अनुसार चल रही है, बोलो आए ना, कोई दिक्कत, कर रहे ना पक्का, ऐसे ही दो, अब आपको ना ज्यादा से ज्यादा सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा संभावना गलत होने की खत्म हो जाएगी, गलती होने की